अभी मैं निकल लिया हूँ संबलपुर के लिए, गाड़ी की मुझे सर्विस करवानी है आज बलैरो की। 4-5 बार उन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट बुक करी गाड़ी की, फिर मना कर दिया करता है कि आपकी गाड़ी की सर्विस अभी नहीं होने की। तो आज देखो कन्फर्म सर्विस होगी या नहीं होगी। अभी मैं निकल लिया हूँ, मेरा करीब 1 घंटे का रास्ता है, 70 किलोमीटर दूर है मेरे से एजेंसी, और मैं निकला हूँ अभी बेलपहाड़ शहर से, देखता हूँ सर्विस होगी या नहीं। मंदिर जगन्नाथ जी का, और इसका एक मंदिर है जगन्नाथपुरी। वो सामने कंपनी रे, इस कंपनी में बना है जो लोहे पिंगलाने वाली भट्टी में ईट लगा है, वेट ये बनाती है। और इसका सब कुछ, स्कूल भी अपना है, हॉस्पिटल भी अपना है, हर चीज अपनी है नहीं यहाँ पे। मतलब यहाँ जो आदमी काम करेगा उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं है कहीं भी। और ये सामने TRL का ही स्कूल, और TRL नाम की एक कंपनी है। यहाँ सब बड़ी गाड़ियों का तो आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बड़ी गाड़ी के लिए दूसरा रास्ता यूज करना पड़ा उन्हें, इधर से सिर्फ छोटी गाड़ी निकलेगी। आगे गांव जो थोड़े से और बैकवर्ड एरिया में है, कहीं कहीं घर मिले गए। छत और देखो घरों की, बाजा बाजा तो ज्यादा ही गरीब है। वो सामने कोई शायद छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है, या आज भी यहां पानी ऐसे लेकर जाया जा है। बैकवर्ड एरिया बहुत ज्यादा, ये सारा ही जंगल है। मतलब इन्हें देख लो कितनी जमीन इसकी खाली है, ये इस तरफ देखो थोड़े से मैदान है, बाकी फिर वो पहाड़ी आ गई। बहुत ज्यादा एरिया उड़ीसा का खाली है, कुछ पहाड़ी और कुछ पानी के कारण खाली पड़ा रहा है। जहाँ थोड़ा बहुत पानी है वहाँ अपने धान वगैरह कर लिया है। अरे यहाँ धान की भी एक फसल नहीं, धान की 2 फसल हो है यहाँ। और अभी आओगी एक नदी, आओगी हिप नदी, उसकी चौड़ाई दिखाता हूँ गाड़ी के मीटर चेक करके दिखाऊंगा। 2.5 किलोमीटर का तो उसके ऊपर पुल बना हुआ है। और ये यहाँ की है छोटी सी मार्केट, ज्यादा बड़ी मार्केट तो यहाँ से जैसे 400 गुना होगा, कोई बड़ा शहर होगा उनमें मिलेंगे। ये यहाँ के घर, मंदिर तो आज जितने भी देखोगे सारे मंदिर बिल्कुल डिजाइन से मिलेंगे। मैं खड़ा हूँ इस टाइम इस नदी के ब्रिज पे, और इस नदी का जो मेरे पीछे पुल दिखाई दे रहा है, इसके करीब 2.5 किलोमीटर की लंबाई है इस पुल की। और ये हिप नदी है, ये आ रही है इधर बिहार से होगा, इधर बिहार से आ रही है और इधर जा रही है हीराकुंड डैम पे, जो यहाँ से पड़ता करीब 25 किलोमीटर दूर। बताया जा अगर इसका जो पानी जो हीराकुंड डैम है वहाँ से मतलब बांध टूट जाए तो इससे भुवनेश्वर, जगन्नाथपुरी और छत्तीसगढ़ ये सारे डूब जाओगे पूरे यार, उड़ीसा तो डूबेगा। इतना पानी है मतलब इसके, अगर हीराकुंड डैम की बात करें तो करीब 25 किलोमीटर की
तो उसके बांध की लंबाई यार जो डैम है 14.5 किलोमीटर का उसका डैम है। जिधर भी देखोगे सारा पानी है, पानी भरा खड़ा है। और इस पुल की भी लंबाई 2.5 किलोमीटर की है और नदी की तो ज्यादा ही है। यो कर दिया गाड़ी का मीटर 0.0 और अब नापते हैं इस पुल की लंबाई। इतनी दूर दूर गाड़ी लेकर गया हूँ लेकिन जितने लंबे इस ब्रिज पर आज पहली बार गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने पहले कभी इतना लंबा ब्रिज पार नहीं किया जितना बड़ा ये। और इसका पानी इतना स्टॉक हुआ है, शायद इतना बड़ा मैंने डैम भी नहीं देखा। हाथनी कुंड भी देखा है, फिर एक भाखड़ा या नांगल डैम है ये भी देखे मैंने, इतने बड़े नहीं है जितना बड़ा हीराकुंड डैम है। उस पर तो जाना भी अलाउड नहीं है, पुलिस रोक दे। उसे देखने के लिए भी एक टावर बनाया हुआ वहां पहाड़ी पे, उस पर जाके देखना पड़ता वो डैम। ये इधर देखो सारे में बिल्कुल पानी पानी है और इसमें एक समुंदर की तरह है, जैसे समुंदर में बीच में कहीं कहीं टापू है ना, वो टापू इसमें भी है ऐसे ही, शायद दिखते भी हो थोड़े बहुत। और ये इसमें बना हुआ एक मंदिर, अभी हो आया 1.2 किलोमीटर, अभी आधे से ज्यादा पुल पेंडिंग है। और सामने है पहाड़ी, इसकी मैं एक और छोटी सी क्लिप डालूंगा तो उसमें देखना। ये पहाड़ बिल्कुल बादलों से ढके हुए थे कि मैं अभी एक दो दिन पहले भी संबलपुर गया था ना सर्विस के लिए, तो गाड़ी की सर्विस हो नहीं पाई थी, तो फिर मैं वापिस आ गया था। वे बोले गाड़ी की अपॉइंटमेंट करवा के आना होता है यहाँ पे। धूप की चमक पानी के ऊपर ढाई किलोमीटर तक भी 1 मीटर ऊपर ही पाओगे, लेकिन 2.5 किलोमीटर तो बिल्कुल कंफर्म है। ये इधर रहा पुल और ये रहे पूरे 2.5 किलोमीटर, मतलब 2.5 किलोमीटर लंबा था ये पुल। 50 मिनट छोटे मोटे रोडों पर चल गए, अब जाकर मुझे हाईवे मिला। और ये है बीजू एक्सप्रेस वे, यहाँ के सीएम के नाम से है ये हाईवे। और ये आया हुआ है झारखंड से और इधर जा रहा है उड़ीसा भुवनेश्वर। मैं भुवनेश्वर की तरफ चल रहा हूँ, इस पे ही आगे संबलपुर आएगा जहाँ अपनी गाड़ी की सर्विस होगी। पहुंच गया मैं संबलपुर, ये सामने कोलकाता मेरे लेफ्ट साइड में और बॉम्बे मेरे राइट साइड में। मैं मुड़ूंगा बॉम्बे की तरफ, इस पर 7 किलोमीटर और चलना है मुझे मिल जाएगा सर्विस सेंटर। किलोमीटर चलता है गाड़ी चली मेरी 82,000 किलोमीटर 80,000 82।
ये डाल रहा है एड ब्लू, जिस जो भी है सिक्स गाड़ियों में डलता आज के टाइम। अगर गाड़ी में नहीं होगा तो गाड़ी चलने की नहीं इसके बगैर, तो डलवाना बहुत ज़रूरी होता है गाड़ी में। गाड़ी की हो गया सर्विस, गाड़ी का हो गया पूरा काम, बस वॉशिंग रह गया। वॉशिंग सेंटर उनका ख़राब था तो कल इसे बाहर से धुलाऊंगा। टाइम हुआ है अभी 5:30, अब जाकर गाड़ी में मुश्किल से 5 मिनट हो गए सवेरे से गाड़ी के पास थे। गाड़ी की करवाई आज अच्छे से सर्विस। ये अपनी गाड़ी की असली रोशनी लाइट होगी, ये सामने ट्रक चल रहा है इसकी देखो कितनी रोशनी फैल रही है रोड में, फैल अपनी क्या ज्यादा इस ट्रक से भी आगे अपनी गाड़ी की लाइट जा रही है। रात भाई मैं थोड़ा लेट हो गया था पहुंचने में घर पर, फिर जब मैं एजेंसी से निकला तो वहाँ पर मुझे कई एक्सीडेंट हुए दिखाई दे, मतलब 6-7 एक्सीडेंट मुझे 70 किलोमीटर के रास्ते में हुए उठ दिखाई दे। बस फिर वीडियो बनाने का दिल नहीं करा, मैं चला गया था घर पर जाकर बस खाना खा के मैं सो गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखो और बताओ वीडियो कैसी बनी है।